ड्रीम इलेवन की विजेता ने खोले सारे राज, ऐसे बनाए भी मैं अपना टीम। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में कई ऐसे मुकाबले खेले गए हैं जिनमें कि हर दिन नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में कई खिलाड़ी जो कि इस होने वाले मेगा कॉन्टेस्ट में बेहतरीन पॉइंट भी दिए हैं। तो क्या आप भी 49 का मेगा कॉन्टेस्ट में शामिल होने वाले हैं? तो आप सभी को आज 100% सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को बताने जा रहे हैं जिससे कि आप भी टीम में 11 खिलाड़ी का बेहतरीन चुनाव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि लोग 49 मेगा कॉन्टेस्ट में शामिल होकर रातों रात करोड़ के मालिक कैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि ड्रीम इलेवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर लोगों को अपने ड्रीम इलेवन टीम में खिलाड़ियों को चयन करके आप भी बेहतरीन टीम तैयार कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ड्रीम इलेवन पर टीम कैसे बनाएं, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस नए आर्टिकल के माध्यम से जानकारी नीचे दी गई है। तो दोस्तों अभी जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था जिसमें कि काफी सारे लोगों ने ड्रीम इलेवन फैंटास्टिक ऐप पर 49 खर्च करके टीम बनाए थे, और ये व्यक्ति के द्वारा जो भी आप टीम लगाने का और ये व्यक्ति के द्वारा जो कि टीम लगाने के समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर 11 परफेक्ट प्लेयर को चयन करते थे जिसके कारण उन्हें ड्रीम इलेवन पर फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ था। तो क्या आप भी इस फैंटास्टिक ऐप पर विजेता बनना चाहते हैं? तो नीचे दी जानकारी को अवश्य पढ़ें। ड्रीम इलेवन का टीम कैसे बनना चाहिए? दोस्तों अगर आप भी ड्रीम इलेवन पर पहली बार टीम बनाने चाह रहे हैं तो आप सभी को बताना देना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल में ड्रीम इलेवन पर 11 परफेक्ट प्लेयर को चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो मुकाबला होने वाला है इसमें दोनों टीम की ओर से किन किन प्लेयर को प्लेइंग 11 के लिए चयन किया गया है, जिसके बाद आप सभी खिलाड़ियों को आसानी से जानकारी प्राप्त करें तभी आप अपने ड्रीम इलेवन पर खिलाड़ियों का चयन करेंगे। ड्रीम इलेवन पर टीम बनाने के लिए इन सभी बातों को ध्यान रखें। नंबर एक, अगर आप भी किसी भी होने वाले मुकाबले में ड्रीम इलेवन पर टीम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लें कि मुकाबला जो कि ग्राउंड में होने जा रहा है और इस ग्राउंड की वर्तमान पिच रिपोर्ट कैसी है। इस मैदान पर बल्लेबाजों का बोल बाला रहता है या फिर गेंदबाजों का, उसी के अनुसार अपनी टीम में खिलाड़ियों का चयन करें। नंबर दो, उसके बाद आपको ये जान लेना है कि कौन से प्लेयर को बल्लेबाजी के रूप में चयन करें तथा कौन से ऑलराउंडर बल्लेबाज को एवं किस गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल करें ताकि खिलाड़ियों के द्वारा ड्रीम इलेवन पर बेहतर पॉइंट दे सके। नंबर तीन, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेना है कि कप्तान कौन से खिलाड़ी को बनाए तथा उपकप्तान किस अपनी टीम में चयन करें। अगर ये दो खिलाड़ी को आप सही तरीके से चुनाव कर ले तभी आप ड्रीम इलेवन पर विजेता घोषित हो सकते हैं। नंबर चार, आप सभी को जानकारी होगी कि ड्रीम इलेवन पर सबसे ज्यादा पॉइंट कप्तान को दिया जाता है जिसके बाद उपकप्तान तथा फिर सभी खिलाड़ियों को उनके द्वारा परफॉर्मेंस के अनुसार पॉइंट दिए जाते हैं। नारायण गुर्जर ने ऐसे बनाए थे ड्रीम इलेवन पर अपना टीम। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप भी किसी भी होने वाले मुकाबले में टीम लगाना चाहते हैं तो आप सभी को सबसे पहले जानकारी बहुत सारी बातों को रखनी पड़ती है तभी आप एक अच्छी खासी टीम तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी नहीं होती है और अपनी टीम में 11 खिलाड़ी को चयन कर लेते हैं तो फिर आपको ड्रीम इलेवन पर अच्छा खासा पॉइंट प्राप्त नहीं हो पाता और आप इस फैंटास्टिक गेम से बाहर भी हो जाते हैं।